शुरू शुरू में जो है लोग बहुत घूरते थे, कराची में भी होता था, बहुत घूरते थे, देखते थे, सही है। और जो बाइकर्स खुद थे बेचारे, आई थिंक उनका मुझे था कि काफ़ी उन लोगों का मसला वगैरह रहा था, और वो जो थे उनको जो बेसिक मसला था ना, आई थिंक वो मेरे बैठने से था। मैं एक फ्री हैंड जर्नलिस्ट हूँ और मैं ताल्लुक़ कराची से है। मैं तकरीबन 7 से 8 बरस से मैं ताल्लुक़ रहा है सहाफ़त से। जर्नलिस्ट होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनके लिए बस का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है एज अपोज टू किसी के फिक्स टाइमिंग्स हैं। तो आई थिंक उस वक्त क्या हुआ कि बाइकियाँ मुझे इसलिए सही लगी, वो सस्ती थी। अगर आपको 100-120 रुपये में मुझे कोई नॉर्थ अहमदाबाद से या फिर लबी एरिया से मुझे कोई सदर छोड़ रहा है, बिल्कुल मेरे बिल्कुल वहाँ छोड़ रहा है जहाँ मुझे जाना है, तो आई थिंक इससे कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और बहुत सारी ख़वातीन हैं आज भी जो कि बाइकें नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनको लगता है कि बाइकें सेफ नहीं है, और उनका जो तरह से जो थॉट है बिल्कुल सही है। कराची में बाइक एक सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो हम अपने आप को जितना हद तक इक्विप कर सकते हैं वो करेंगे, हम अपनी कॉस्ट देखेंगे, हम अपनी सेफ्टी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, हम फिर हम उस चीज़ की तरफ जाएंगे। तो बहुत सारी जो लड़कियाँ मेरी जो मुझे फॉलो करती थी, अगर मैं सोशल मीडिया पर जिनसे मैं बात करती थी, उन्होंने कहा कि हम भी ट्राई करके देखेंगे कि क्या है। उन्होंने ट्राई किया, उनको आसानी हुई, अब वो भी करना शुरू हो गई हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था इसको इस्तेमाल करना, तो पहले तो ये था, आई थिंक पहले जो मेरी राइड थी वो तो बहुत ही आराम से हो गई थी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। कभी कभार फ़ोन करते थे, वो सवाल ये करते थे वो कि आपका पार्सल है क्या, तो मैं उनको कहा करती थी कि नहीं मुझे खुद जाना है, तो वो कभी कभार राइड कैंसिल कर दिया करते थे। कुछ कह रहे थे हम आएंगे नहीं, कुछ लड़कियाँ अपने घर पर नहीं बताती कि वो बाइक इस्तेमाल कर रही हैं, तो मसलन उनको जो है वो नकाब करती हैं, वो ऐसा कुछ करती हैं कि उनकी जो शक्ल है वो नज़र ना आए, और या फिर वो क्या करेंगी कि वो कहेंगी कि हमें थोड़ा सा दूर उतारें अपनी मंजिल से, ताकि जो है वो नज़रों में ना आए। अगर आप एक लड़की हैं जो कि बाइक सर्विस यूज़ कर रही हैं इतने बड़े शहर में, और आपका बैठने का अंदाज़ थोड़ा मुनफरद है, तो वैसे आप थोड़ी सी नॉर्मली बन जाते हैं लोगों के लिए, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है तसव्वुर शायद ये है मेरे ख्याल से कि अगर कोई लड़की कोई ऐसा काम कर रही है जो थोड़ा सा मुनफरद है या अलग है, तो यानी कि ना फिर उसको वो जो कहते हैं ना अवेलेबल है वो, कि उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं उस लिहाज से। 2-3 बार ऐसा हुआ कि ना राइडर्स ने मुझे ड्रॉप किया मेरे घर पे, और फिर जो है वो उन्होंने क्या किया, नंबर उनका मेरे पास आ जा चुका है, तो ना मुझे कॉल करना शुरू कर दिया करते थे। और वो ये नहीं होते थे कॉल के भाई, जैसे कभी कभार कैप्टन करते हैं ना कि वो कहते हैं भाई हमें स्टार्स दे दीजिएगा, या फिर वो जो होता है वो नहीं, वो क्या करेंगे रात के 3 बजे कॉल करेंगे मुझे। मेरी नॉर्मल अप्रोच ही होती है कि भाई आप इग्नोर कर दो, ब्लॉक कर दो, ये कर दो, सही है। लेकिन अगर वो चीज़ बढ़ती चले गई 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो सही है, मेरी भी एक तरह से बस हो गई थी। जो करीम जो है, करीम के एक राइडर ने ऐसा कुछ किया था, तो फिर मैंने फिर उनकी कंप्लेन कर दी। फिर क्या हुआ कि एक दूसरे नंबर से मेरे पास ना बहुत ही समझे कि ना एक गैर मखसूस तस्वीरें मुझे आना शुरू हो गई मेरे व्हाट्सएप पर, जो ऑब्वियसली आई नो कि एकदम से रैंडमली कोई मुझे बंदा अजीब की तस्वीर नहीं भेजेगा। एक वाक़े के बाद तस्वीरें मिलना शुरू हो जाती हैं, वो हैरेसमेंट के जुमरे में आ रहा था। उसके बाद आया मैं आपका दिल बुरा हो जाता है, लेकिन अगेन चूँकि मेरी ज़रूरत है इस्तेमाल करना, तो फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया करते थे।